महापुरुषा अते तख्त श्री हरिमंदर पटना साहिब जी दी आसीस सत्कार पाई साहब पाई गुरिकपाल सिंह जी अते बीबी कौला जी पलाई केंद्र ट्रस्ट चैरिटेबल वल्लों पंजवी लहर 350 साल धन गुरु गोबिंद सिंह जी नाल दे संबंध विच 13 जून नु होए 9वें जप तप समागम विच बेअंत संगता ने बेअंत गुरबानी पाठ ते सिमरन जाप दियां हाजरियां लगाईयां। सारियां संगतां दा कोटान कोट शुकराना। इसे लहर दे संबंध विच 10वां जप तप अरदास समागम 1 अक्टूबर 2015 दिन वीरवार नु बीबी कौला जी पलाई केंद्र तरन तारन रोड श्री अमृतसर साहिब विखे रखा गया है। समूह संगतां नु बेनती है कि आप जी वध तो वध वाहेगुरु सिमरन जाप श्री जपजी साहिब जी श्री जाप साहिब जी अते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सहज पाठ दी हाजरी लगवाओ। अते होर किसे भी तरह दी जानकारी लई आप जी एना नंबरां ते संपर्क कर सकदे हो जी 98 765 25 820 25 27 30 33। वाहेगुरु पूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु पूले मार्ग जिन्ने बताया सिमर मना राम नाम चित्तारे बसरे गिरदे गुर चरण प्यारे क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना दुख सुख करत जनम खून मुआ चरण कमल अगन सागर बूढ़त संसारा अगन सागर बूढ़त संसारा नानक बात पकड़ सतगुर बा पकड़ सतगुर ऐसा गुर
सारी संगत कलगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज पत्ते पत्ते च वसण वाले पिता सचखंड दियां सड़कां देण वाले पिता दे प्यार विच सारे गज के आखो सतनाम। हर वीरवार समागम महाराज सेवा लेंदे ने, पर आज पहली बारी जिस हयूर साहब तो सचखंड हयूर साहब तो अबचल नगर तो जिस दर तो दाता चल के तुहाडी सारी संगत दी झोली विच पैंदियां ने, अज उस दर दे वजीर आए ने। इनू वड्याई नहीं गिणांगे क्योंकि ये जिन्ने महापुरशां दी दास ने संगत कीती है, इस तरह किसे वड्डे दर तो दरगाही ड्यूटियां ये फिर महापुरशां सानू सिखाया, कोई इस तरह आवे ते ये समझ लो गुरु प्रसन्न होया। गुरु प्रसन्न आओ, महापुरशां ने खोजियां ने तकरीबन 9 प्रकार कह लो, दया हो सकता है कदा होर अगे भी टप जे, वो 9 प्रकार की दया केड़ी है, 6 तरह की दया महाराज सेवा लै चुके ने, अज 7वीं दया की वारी है। कई पहली बारी आए होंगे ने, 6 प्रकार की दया केवल बोल के लंघते हैं, 7वीं की विचार अज महाराज लैन। पहली दया तुहानू वाहिगुरु ने जिन्ने साधन दिते ने उन्हां साधना राही किसे लोड़वंद नूं शरीर दा सुख मिले, ये पहली दया। दूसरी दया माया नहीं भी तां भी कर सकदे, शरीर दी हिम्मत नहीं तां भी वो दया कर सकदा, वो दूजी दया तुहाडे बोलां विच दया। गज के आखो सतनाम, जिहड़े मुख विचों बोल उहदे विच दया। तीसरी दया महापुरशां ने खोजी है, कोई तन करके दुखी है जां शरीर करके रोगी है उहदी मदद। गुरु अर्जन देव जी आप कोड़खाने जाके 1 घंटा कोड़ियां दी सेवा करनी, कोई तन करके दुखी शरीर करके रोगी उहदी सेवा। चौथी दया महापुरशां ने गिणी है, किसे दे पड़दे कजने, गज के आखो सतनाम, बड़ी वड्डी दया जी। पड़दे नंगे ना करने, पड़दे कजने। ते पंजवीं दया किसे टुटे नू गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा नाल जोड़ देण, ये भी दया। छेवीं दया किसे दा औगुण कढ के उन्हों गुणा वाला बना देना। अज 7वीं दया महाराज सेवा लैन, एक बारी सारे कृपा करो जी। ऐसा गुर
फूले मार सतवीं दया इत्थे कीर्तन भावे घंटा सवा घंटा आप दी सरवण करो पर रूटीन विच हो सके इनू बार बार घर जाके कोट कोट के वसाउणा के ए सुणन तक न रह जान ए दया अंदर वस जान सतवीं दया बड़ी प्यारी जे और थोड़ी उची है सतवीं दया आत्मक तरक्की विच जड़ी आत्मक तरक्की होंगी साड़ी जिवें लौंग जाप प्रतलौंग जाप हिरदे च जाप सुरदी जाप स्वास स्वास जाप रोम रोम जाप सृष्टि जाप ये अध्यात्मक पढ़ाई है सतवीं दया आत्मक तरक्की विच किसे दी मदद करनी गज के आखो सतनाम आत्मक तरक्की एक है गरीब नू माया दा कपड़े दा हुण अज गल बिल्कुल दूजी आत्मक तरक्की अंदर दी तरक्की छोटे दी मदद करनी उन्हों सही राह देना आत्मक तरक्की विच किसे दी मदद करनी सतवीं दया आत्मक तरक्की विच भी रुकावटां है ये भी दया भी वो रुकावट चो कढ के उन्हों अगे खड़ना एक संत बेअंत सिंह जी होए ने ते बाबा नंद सिंह जी सवास सवास नाम जपण वालियां नाल मेल होया बाबा जी दो मिनट समा मिल जाए ठीक है भाई दसो को पुत्र नहीं मंगे को माया नहीं मंगे कोई ये नहीं आख्या भी मेरा डेरा नहीं चलता आज गल सारी अध्यात्मक होगी संत बेअंत सिंह जी बाबा नंद सिंह जी नू की बचन कीता दो मिनट समा लैके कहिंदे बाबा जी मैं 30 साल हो गए ने मैं 30 साल हो गए ने बंदगी करदे हां मैनू अजे रस नहीं आया बाबा जी ने सुन लिया आऊं एक कान ते हाथ रख के कहिंदे दोबारा कहना कल आत्मक तरक्की रुकी पई जदों कहा ना दोबारा कहना अगों फिर दोबारा कहा जी मैं 30 साल हो गए ने तप करदा पिया वा आत्मक रस नहीं मिलिया बाबा जी ने तीजी हरी कहा भाई जरा उची कहना कहिंदे जी मैं 30 साल हो गए जप तप करदा पिया बंदगी करदा पिया तप करदा पिया रस नहीं प्राप्त होया आत्मक तरक्की रुकी पई बाबा नंद सिंह जी कहिंदे रस किवें आवे संत बेअंत सिंह जी 30 साल ते हो गए ने पर तप करदे हां बंदगी करदे हां पर मैं ते निकली नहीं मैं 30 साल हो गए तप करदे हां मैं 30 साल बाबा जी कहिंदे असीं तां ही 2-3 वारी बुलवाया ये आत्मक तरक्की तां रुकी पई है
नैन आ गए। बाबा जी ने उस वेले एक दलील दिती। बाबा जी कहते पारस का कसूर नहीं, बंदगी पारस है, जप तप करना एक पारस है, चौंकड़े मारने बैन लाना एक पारस है, सिमरन पारस है, बाणी पारस है। तुहानू 30 साल हो गए ने, सिमरन का कसूर नहीं, तुहानू रस नहीं आया। बाबा जी कहते पारस का कसूर नहीं, पारस जेड़ी डब्बी च पिया, डब्बी लोहे की है, ध्यान देना, पारस का संग ते लोहा करे सोना बन जाता। आ जड़ी शरीर की डब्बी है, जदों ये सिमरन गया बाणी गई रस्ते आना चाहिए सी, सोना बनना चाहिए सी, पारस का कसूर ही कोई। पर बाबा जी कहते एक सियाने सुलझे शरीर ने जदों लोहे की डब्बी खोली जिदे च पारस सी ते की वेख्या, बड़ा ही बरीक कागज, एक उत्ते है ते एक थले कागज, वो कागज जड़ा है वो डब्बी नू सोना बनने नहीं दे। जदों डब्बी खोली जिदे च पारस सी उहदे थले भी बरीक जां कागज, पारस दे उत्ते भी कागज होम जमे दा, ओ लोहे दी डब्बी नूं सोना बणन नहीं दिंदे। कहिंदे जदों फिर ओ बरीक जा कागज खिच के बाहर कढ़ता, थलों भी बाहर कढ़ता उत्तों भी, कहिंदे कागज बाहर कढ़न दी देर सी कि पारस जिहड़ी डब्बी विच सी ओ नाल ही डब्बी सोने दी हो गई, क्यों संग हो गया। बाबा जी कहते तप का कसूर नहीं, जप का कसूर नहीं, बंदगी का कसूर नहीं, आ मैं दा कागज कट दे, जब तक तो मैं दे कागज उत्ते थले पे ने रस किवें आवे। गज के आखो सतनाम। इन्नी क गल नाल क्योंकि ये सारी संगत नूं बेनती दे, जिमें पिछले वीरवार तुसी एक प्रकरण सुनिया सी रागी हीरा सिंह जी नाल बाबा नंद सिंह जी का जिहड़ा मेल होया, उहदे च बाबा जी ने निचोड़ कढ़िया सी उच्ची तो उच्ची जगह ते भी कोई पहुंच जावे पर संगत नालों वड्डा ना बन जावे, जो बाबा जी ने कहा तैनू सिखाया हीरा सिंह। यह जिन्नी संगत आ मैं दा कागज कट दईए तो आत्मक तरक्की शुरू हो जाएगी। आखो सतनाम। है जगरावां एक मोची सी, मोची वो मोची नूं कितें शरदा आ गई कि मैं भी बाबा नंद सिंह जी का जोड़ा बनावां पैर दा। आखो सतनाम। बाबा जी दीवान की समाप्ति तो बाद बाहर आए, वो पैरों वाल वेखी जावे सहज, पैरों वाल वेखी जावे मोची, मुड़ के उन्हें 7-8 दिन विच ना जी बड़ी रीझ नाल पैरों का जोड़ा बनाया बाबा नंद सिंह। हुण मोची सी दवे किवें, हुण जिथों संगत लंघदी है एक पासे होके जोदड़ियां कर रहा है, तरले कर रहा है कि हे अकाल पुरख कृपा कर एक महापुरश कोल ए मेरा जोड़ा बनाया प्रवान हो जाए। मोची ये जगरावां दा है। हुण गल ते प्रेम दी प्यार दी, ये ते तुहाडे नाल भी बीतदी होएगी कई जगह प्यार दे विच सुने पहुंच जाते। दीवान की समाप्ति तो बाद बाबा जी जिथों लंघते सी उतों ही लंघे ते नाल ही थोड़ा ऊं सज्जे हथ हो गए जिथे वह मोची बैठा है।
अरदासां कर रहा भी मेरा जोड़ा। जदों उस मोची को चले गए महापुरुष, उन्हें सुध बोधी नहीं, बड़ा प्रसन्न। बाबा जी कहते जोड़ा बनाया ही। बाबा जी कहते लगता है बड़े प्रेम ना बनाया तू, श्रद्धा ना लैन आया लिया। हूं जो जोड़ा रखिया ध्यान देना, हूं तक काम ठीक से। आऊं जोड़ा रखिया ते नाल ही मैंने जन्म ले लिया। मैंने कि वाकई मैं पता नहीं किन्ने प्रेम नाल जोड़ा बनाया। बाबा नंद सिंह जी आप लेना वे आ गई आपको सतना। बाबा कहते बड़े प्रेम नाल बनाया। कहिंदा जी सत दिन हो गए ने मैं आप हथी बनाया। बाबा जी पूरी श्रद्धा नाल बनाया। बाबा जी कहते हो असी ते आए जोड़ा लैन, इन्हें बनाया प्यार नाल, पर एक वक्त पै गया ये निकी जी मैंने इहदी सेवा टिकाने नहीं लगन दे, ऐ जी आत्मक तरक्की रुक गई। आ सतवीं दया भाई किसे दी आत्मक तरक्की वो तोरनी है। तुसी सुन दे ओ महापुरुष कहदा फिर जेड़ा मैं ना कड़े अज गया को सतना। बाबा ही कहंदे बनाया इन्हें प्यार ना लै, चलो असी लैण भी आ गए। एदी मैंने एदी सेवा नू आत्मक तरक्की नू एदी इस चीज नू टिकाने नहीं गल बना दे। बाबा जी कहंदे फिर कड़ी है किवें एदी आत्मक तरक्की तुरे मैं किवें कड़ी है। बाबा जी कहंदे पहले बाहर आण दिओ मैल किन्नी के, हुण वेखो बाहर लिया रहे। बाबा नंद सिंह जी कहंदे जगरावां दा हूँ बाहर लिया रहे भी मैल जिनी कगी आ जाए। बाबा जी कहते सानू एक गल नहीं समझ लगी कि तू साडे पैरां दा मेचा ते लिया ही नहीं, जोड़ा किवें बना ले। हूँ थोड़ी होर चढ़ गई बाहर आवे जिन्ना कगे गांदे दा मैं हमे दा गांदे। बाबा कहते मेचा ते तू लिया नहीं तो बना किवें लिया। आ गई होर आ गई। बाबा जी मैं अज तक हाथ ला के किसे दे पैर दा मेचा नहीं लिया, मेरिया अखां विच इन्ना गुण है जिदे पैर एक बारी वेख लवां उहदे मेचे दे बनाना मैं जोड़े। बाबा जी शाबाश होर चढ़ गई इहदे आखो सतनाम। बाबा जी कहिंदे अच्छा चल लिया फिर पाईए। हुण लथन लगी जी कहिंदे जदों बाबा जी ने जोड़ा पान लगे एक पैर पूरा आ गया तो दूजा पैर बड़ा ही ना। बाबा जी कहते जोड़ा बनाया ही आ दूजा पैर तो पूरा ही नहीं आता हमने दम मारता पे कदी तां कदी ठां करके आखो सतना। कहते जी अज तक होया तो नहीं है जी। बाबा जी कहते तेरे सामने ही है एक पैर ते आ गया आ जोड़ा सी की पावांगे तेरा बनाया दूजा पैर ते आए नहीं कदी तां कदी ठां। बाबा जी कहते फिर ले जा जोड़ा जी होया की। महापुरुष कहते जोड़ा ते बनाया प्रेम नाल पर हमें हमें उन्हें परचा पाता उन्हें परचा पाता कहते ओहो मोची ने जदों मन नीवा करके कहन लगा बाबा जी भांडा छोटा सी सेवा वड्डी पै गई
मैं हम मेनू संभाल ही नहीं सकया। मैं पता नहीं की चीज करती की बनाती है। कोल आ गए महापुरुष मेरे को, मैनू बख्श लो। जो मन नीवा करके माफिया मंगिया, बाबा जी कहते लिया उरे पाइए। जो पाए कहते दोवे पैर पूरे आ गए। महापुरुष कहन लगे जिथे मैं आ जे उथे आत्मक तरक्की रुक जाती, सेवा फिर थाए नहीं। यह दया है। हुण तुसी जिन्ने बैठे हो तुसी कहोगे ये दया तो महापुरुष कर सकते भी किसे दी आत्मक तरक्की विच उन्हों अगे तोरना। असी किवें करांगे? ये हुण खीर ते गल आएगी, तुसी भी कर सकदे। आखो सतनाम उन्हों खीर ते लियावांगे। पहले सतवीं दया किसे दी आत्मक तरक्की दे विच उनु सहयोग देना, किसे दी आत्मक तरक्की रुकी होवे उनु तोरना। हो एक पंक्ति मेरे के आ गई है कि कोई ये ना कवे भाई वाकई आत्मक तरक्की रुकदी है। आत्मक तरक्की किसे दी रुक जाए तो उनु वो अगां तोरना। गुरबाणी विच बचन सांझे कर लो। हर प्रभ मिलवे को प्रीत मन लगी। की करा अगो राह नहीं मिलता प्या, पाए लगो मोह करो बेनती। को संत मिले बड़ भागी, को संत मिले बड़ भागी, को संत मिले बड़ भागी, महापुरशां अते तख्त श्री हरिमंदर पटना साहिब जी दी आसीस सदका भाई साहब भाई गुरिकपाल सिंह जी अते बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट चैरिटेबल वल्लों पंजवीं लहर 350 साल धन गुरु गोबिंद सिंह जी नाल दे संबंध विच 13 जून नु होए 9वें जप तप समागम विच बेअंत संगतां ने बेअंत गुरबाणी पाठ ते सिमरन जाप दियां हाजरियां लगाईयां। सारियां संगतां दा कोटान कोट शुकराना। इसे लहर दे संबंध विच 10वां जप तप अरदास समागम 1 अक्टूबर 2015 दिन वीरवार नू बीबी कौला जी भलाई केंद्र तरन तारन रोड श्री अमृतसर साहिब विखे रखिया गया है। समूह संगतां नू बेनती है कि आप जी वद तो वद वाहेगुरु सिमरन जाप श्री जपजी साहिब जी श्री जाप साहिब जी अते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सहज पाठ दी हाजरी लगवाओ। अते होर किसी भी तरह दी जानकारी लई आप जी इन्हां नंबरां ते संपर्क कर सकदे हो जी 98765 2825 27 30 अते 33।